हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे कि मध्य प्रदेश की खेल नीति, मध्य प्रदेश के कुछ खेल अकादमी एंड मध्य प्रदेश के खेल संस्थाएं एंड मध्य प्रदेश के कुछ खेल स्टेडियम। जैसे कि आप सबका एग्जाम 4 मई को है वर्ग 2 और 3 का, चाहे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट वाले हो, चाहे अदर सब्जेक्ट वाले, सभी के लिए वीडियो लाभकारी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के जाइएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक को, देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश खेल नीति की। दोस्तों, प्रथम मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति की घोषणा हुआ 1989 में। कब घोषणा हुआ प्रथम खेल नीति की? 1989 में। और इसमें संशोधन हुआ 1994 में। एंड फिर नवीन खेल नीति का गठन किया गया 30 जून 2005 को, चहुंमुखी विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से। दोस्तों, मैं केवल एक्यूरेट चीजें बताऊंगी, ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगी। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अकादमी की। कौन कौन से प्रमुख खेल एकेडमी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को लेके आई हूं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी जो है, वह उसका मुख्यालय शिवपुरी में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में स्थापना किया गया। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी पूछेगा कहाँ है, तो शिवपुरी में उसका मुख्यालय है। एंड जब MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पूछेगा, तो वह है इंदौर में, और वह 1941 में स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है अकादमी आपका एथलेटिक्स अकादमी, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी जो भोपाल में है, 2016 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट है तीरंदाजी अकादमी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, इसकी स्थापना 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है मलखम्ब अकादमी, मलखम्ब अकादमी जिसका मुख्यालय उज्जैन में है, इसका स्थापना 2018 में हुआ था। दोस्तों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मलखम्ब है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, एंड मलखम्ब के लिए प्रभास जोशी अवार्ड 2013 से दिया जा रहा है। मलखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जो भी मलखम्ब में अच्छा प्रदर्शन करता है, उसके लिए प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है। कब से? 2013 से। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मलखम्ब क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। दोस्तों, मलखम्ब 3 प्रकार का होता है, फिक्स्ड, हैंगिंग और सेफ। फिक्स्ड हैंगिंग जो है वो मेल यानी कि पुरुषों के लिए होता है, और सेफ जो है वो महिलाओं के लिए होता है। नेक्स्ट है स्विमिंग अकादमी, इसका मुख्यालय होशंगाबाद है, और इसका स्थापना 2008 में हुआ था। स्विमिंग अकादमी 2019-20 में इंदौर में बनाने का भी प्रस्ताव हुआ है। नेक्स्ट है बैडमिंटन अकादमी, का मुख्यालय ग्वालियर में है, और यह 2010 में बनाया गया। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है, एंड ये 2007 में बनाया गया। नेक्स्ट है शूटिंग अकादमी, जो भोपाल में है, यह भी 2007 में बनाया गया। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, इसका भी मुख्यालय भोपाल में है, यह भी 2007 में बनाया गया। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी अकादमी, यह भी भोपाल में है इसका मुख्यालय, और यह भी 2007 में बनाया गया। यानी कि मार्शल आर्ट अकादमी, शूटिंग अकादमी, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, पुरुष हॉकी अकादमी, इस सभी के सभी हेडक्वार्टर इनके भोपाल में है, और सभी 2007 में बनाया गया। एंड नेक्स्ट है महिला हॉकी अकादमी, जो ग्वालियर में इसका मुख्यालय है, यह 2006 में बनाया गया। ये तो था मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अकादमी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाओं की। तो इन संस्थाओं और उसके स्थान और उसकी स्थापना दिवस के बारे में बताएंगे। पहला है खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग।
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना स्थान है भोपाल में और इसकी स्थापना 1975 में हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय यानी कि इसका संचालन करने वाला है, यह है भोपाल में, इसका स्थापना 1975 में हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, यह जबलपुर में है जिसकी स्थापना 1957 में हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, यह भी जबलपुर में है, इसकी स्थापना 1946 में हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, यह इंदौर में है, इसकी स्थापना 1941 में हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन को अब MPCA बोला जाता है, MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अविनाश खंडेलकर एंड इसके प्रथम अध्यक्ष CK नायडू थे। जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट के भी प्रथम कप्तान थे CK नायडू। एंड दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम की। प्रमुख खेल स्टेडियम है मध्य प्रदेश के, पहला है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह जो आपके ध्यानचंद, जो महान हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के भाई हैं, तो रूप सिंह स्टेडियम के नाम, रूप सिंह के नाम से बना हुआ है। तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में, जो इसकी विशेषता है कि दूधिया रोशनी की सुविधा यहाँ पे है। नेक्स्ट है नेहरू स्टेडियम, यह इंदौर में है, यह इंदौर का प्रथम स्टेडियम है, ये नेहरू स्टेडियम, इसकी विशेषता है कि यह इंदौर स्टेडियम है। नेक्स्ट है एस बाग स्टेडियम, यह भोपाल में है, इसकी विशेषता है कि एस्ट्रो टर्फ सुविधा इसमें है, एस्ट्रो टर्फ यानी आर्टिफिशियल घास वहाँ उसमें बिछाया जाता है। नेक्स्ट है तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है और इसकी विशेषता है कि यह जर्मन ट्रैक सुविधा, यहाँ जो जर्मन ट्रैक की सुविधा होती है उस सुविधा को देखते हुए यहाँ पे तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम इंदौर में है, यह सबसे बड़ा इंदौर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का एंड यह अभय झझलानी पत्रकार के नाम से बनाया गया। एंड दोस्तों कुछ क्रिकेट कप्तान के बारे में जान लीजिए। टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान कौन थे, तो CK नायडू। वनडे क्रिकेट के प्रथम कप्तान थे अजित वाडेकर एंड T20 के प्रथम कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं एक वीडियो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में बनाऊंगी, जो आपके एग्जाम देने से पहले ही अपलोड कर दूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।